आपने सिंगापुर मेंशन किया एंड वील कम बैक टू योर मॉडलिंग एंड मल्टीपल अदर थिंग्स दैट वी वांट टू डिस्कस, बट सिंगापुर ने ऐसा क्या किया उन्होंने? टेल मी अबाउट लिटिल हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर एंड देन टेल मी कि वो 44,000 तक कैसे पहुंच गए? इतना सा देश है, उनके पास कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो उनके पास एक ट्रेडिंग हब है दुनिया का, मतलब कुछ है नहीं यार, छोटा सा जरा सी जगह है। उनके पास एक ही रिसोर्सेज है, पीपल। उनके पास ना पानी है जो मलेशिया से आता है, ना कोई मिनरल्स हैं, ऐसे कुछ है ही नहीं। बट दे आर द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनिंग नेशन, ऑयल रिफाइनिंग, बिग MRO, MRO मीन्स मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा हैपेंस है। सो ये सब जो हुआ है ये उनका विजन फोर थिंकिंग की वजह से, उनके जो लीडर्स के उनको ये पता है कि उनका एक ही रिसोर्स है, उनके पीपल। देयरफॉर दे यूज़ वॉट यू कहते हैं, अभी अगर मैं किसी कंपनी को इधर लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं इस देश के बारे में बताऊँगा, ये रहा लैंड, ये रहा पावर, ये रहा ये। वो कहते हैं ये रहा स्किल्ड मैन पावर। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया MRO की बात किया, MRO यानी व्हेन एयरक्राफ्ट वांट्स टू गेट इटसेल्फ रिपेयर्ड मेंटेन, इट गोज टू सिंगापुर। इट कुड हैव कम टू इंडिया आल्सो, बिकॉज इंडिया इज आल्सो वेरी नाइसली लोकेटेड, इट इज इन बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड ऑल, बट इट गोज टू सिंगापुर। एंड सो व्हेन दे डिसाइडेड दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम, पहले तो उनका, बाय द वे जब मैं सिंगापुर जाता हूँ वो कहते हैं यहाँ का पहला टेक्निकल स्कूल टाटा ने खोला था सिंगापुर में, एंड दे आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू दैट। बट वी नो नाउ वॉट इज हैपन, दे हैव गॉन फार अहेड, बट वी आर स्टिल ओपनिंग द सेम स्कूल्स एक्चुअली। उसके बाद उन्होंने पहला द स्किल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट किया, तो उसके बेसिस वंस, बाय द वे सिंगापुर वॉज फॉर्मड इन 65 पीरियड व्हेन दे ब्रोक अवे फ्रॉम मलेशिया, कुछ रिसोर्सेज नहीं, तो उन्होंने पहला स्किल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट किया। धीरे धीरे दे मूव्ड इनटू नॉलेज बेस्ड। उनका ये एक थिंकिंग है कि यहाँ हमको MRO बनाना है, MRO बनाने के लिए रॉल्स रॉयस चाहिए, तो गए रॉल्स रॉयस के पास। रॉल्स रॉयस के पास जाके बोलते हैं कैन यू सेटअप अन आवर। रॉल्स रॉयस में क्या करूँगा उधर से, वॉट इज़ द लॉजिक, बिजनेस लॉजिक तो दिखता नहीं। दे क्रिएट अ सेंटर फॉर ट्रेनिंग विच इज़ सिमुलेटिंग द होल रॉल्स रॉयस प्लांट, देन दे इन्वाइट द रॉल्स रॉयस हेड। दिस टाइम ही कम्स, ही सीज दैट इज वर्चुअली इज प्लांट इज देयर एंड पीपल आर गेटिंग ट्रेन द प्लांट। दिस इज हियर आर पीपल रेडी टू बी ट्रेन फॉर दिस। सो रॉल्स रॉयस मेक्स इज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्लोली स्लोली इट बिल्ड्स अप एंड टुडे इट्स द MRO। सो इट इज़ अबाउट पुटिंग योर मैन पावर अहेड एंड शोइंग दैट इट इज़ वन ऑफ द की लीवर्स एडवांटेज फॉर एनी कंपनी कमिंग इन। देन सिंगापुर सेज मेरा एजुकेशन सिस्टम इतना ठीक नहीं, मैं MIT चाहता हूँ सिंगापुर। MIT बोलता मैं कहीं जाता नहीं हूँ, MIT मीन्स मैसूस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई डोंट गो एनीवेयर। देन सिंगापुर गवर्नमेंट गोस वूज MIT, इट सेज दैट प्लीज कम, वॉट एवर इट इज द वे दे डू, दे प्रोवाइड, दे से वॉट एवर यू वॉन्ट वील गिव। सो MIT कम्स टू सिंगापुर, दे बींग MIT दे हैव अ लॉट ऑफ देयर ओन डिमांड्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग सिंगापुर कम। Today we have universities in Singapore which compete with MIT. So that's how you create this. I'm talking MIT in the context of engineers, labor, etc. So therefore Singapore is a nation which has realized that if it has to transition from skills, say knowledge, say innovation based economy, which is when you hit $44,000 per this, if you want to move this economy, you need people to drive it. You can't be it can't be driven by external people. You can't have FDI coming in and you know, using the base, using the cheap labor and say no, people there have to design, people there have to build. अगर ऐसे और भी बहुत insightful shots और clips देखनी है तो इस channel को subscribe कर लो।